तक देखिए हमारी खास पेशकश, सितंबर में सैलाब का साम्राज्य। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। कई शहरों में हालात बेकाबू हो गए हैं। सबसे बुरी हालत मंदसौर की है, जहां सामान्य से 143% आपको बता दें कि ज्यादा बारिश हुई है। शनिवार की अगर बात करें तो यहां पर 8 इंच बारिश हुई है। अगर मालवा में भी बारिश यहां पर हो रही है, राजगढ़ में 10 फीट तक पानी जमा है। रतलाम, अलीराजपुर, इंदौर, शिवपुरी, भोपाल, तमाम ये जो हिस्से आप देख रहे हैं, इन हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। तो ये स्थिति है इस पूरे इलाके की, मध्य प्रदेश की, जहां पर लगातार बारिश से, बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। जलमग्न हो गया है पूरा इलाका। मंदसौर में त्राही त्राही है। आधा सितंबर बीतने को है, लेकिन मूसलाधार बारिश से मुक्ति मिलती नहीं दिख रही है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ग्राउंड जीरो पर है, और मंदसौर की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला आफत बरसाने पर आमादा हो। मंदसौर शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, और इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये दया मंदिर रोड है, मंदसौर का प्रमुख बाजार है। लेकिन यहाँ पे स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से बरसात का पानी जो है वो घुसा हुआ है, और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, ये पानी कम नहीं हो रहा है। ये कार जो आप डूबी देख रहे हैं, आप इससे अंदाजा लग जाएगा आपको कि अभी कितना पानी जो है मंदसौर के अंदर घुसा हुआ है। हालांकि आपको बताएं कि ये थोड़ी ऊंचाई की जगह है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 3 फीट ये हिस्सा जो है इस कार का, वो पानी में डूबा हुआ है, और कार के अंदर भी पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। लेकिन हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं इस कार के अलावा। हम आगे अगर आपको दिखाएं तो आगे थोड़ा और निचला इलाका है जहां तक जाना खतरे से खाली नहीं है। वो जो रोड डिवाइडर आप देख रहे हैं डूबा हुआ, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां कितना पानी घुस चुका है। बाजार डूबा है, बस अड्डे डूबे हैं, सड़कों और गलियों में पानी का साम्राज्य है। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने इस शहर के लोगों के लिए सूखे में पैर रखने तक की जमीन नहीं छोड़ी है। आज तक संवाददाता को भी कमर तक पानी में उतरकर तस्वीरें कैमरे में कैद करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और वो बारिश किस कदर लोगों पर कहर बनकर टूटी है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मंदसौर के धान मंडी इलाके में हम मौजूद है। जिस घर में मौजूद है, उस घर के अंदर तकरीबन जो नीचे का हिस्सा है बेसमेंट का, जहाँ पे इनका बेटा रहता है, वो तकरीबन 5 से 6 फीट पानी में डूब चुका है। ये घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर हमने आपको दिखाया कि कैसे पूरा का पूरा बाजार जो है वो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन अब ये हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये घर के भीतर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं कि 4 से 5 फीट पानी जो है वो घर के भीतर है। दरअसल मंदसौर में शनिवार से लगातार बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। निचली मंजिल के लोगों को ऊपरी मंजिल में शरण लेनी पड़ रही है। जब तक पानी से आजादी नहीं मिल जाती, मंदसौर की मुसीबत यूं ही जारी रहेगी। रवीश पाल सिंह, मंदसौर आज तक। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश से गंभीर हालात हैं। कोटा समेत कई शहरों में जनजीवन ठप है। प्रतापगढ़, करौली में भी हालात बदतर हैं। तो आपको बता दें, पड़ोसी राज्य राजस्थान भी पानी पानी है। एक तो मध्य प्रदेश से आई नदियां यहां पर रौद्र रूप धारण कर रही हैं। कोटा में तो डैम के सभी 19 गेट खोल दिए जाने से
चंबल नदी के किनारे तबाही जैसे हालात बन गए हैं। एक रिहायशी कॉलोनी बुरी तरह से सैलाब की जद में आ गई है। हालात ये हो गई है कि एसडीआरएफ के जवानों को रेस्क्यू मिशन में लगाना पड़ा है। इस दौरान एक जवान दो मासूमों को एक घर से रेस्क्यू करता हुआ भी दिखाई दिया गया और ट्यूब के सहारे बाढ़ से निकालकर किसी तरह से बड़ी मुश्किल से बाहर लाया है। मध्य प्रदेश की बारिश ने राजस्थान को भी परेशान कर दिया है। प्रतापगढ़ में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यहां सभी छोटी नदियां किनारा तोड़कर फैलती जा रही हैं। कई जगह पुल जलमग्न हो गए। NH 113 समेत सभी प्रमुख मार्ग बंद हैं। जिले के 50 गांव टापू में तब्दील हो गए। शहर की कई कॉलोनियां भी जलमग्न हो चली हैं। प्रशासन ने SDRF टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से सटा इलाका है और यहां भी आसमानी आफत जमकर बरस रही है। कोटा में चंबल नदी उफान पर आ गई। हालात ये है कि कोटा में गांधी सागर डैम के 16 गेट खोलने पड़े। डैम का गेट खुलते ही शोर मचाता सैलाब सबको डुबोने पर आतुर हो गया और फिर देखते ही देखते चंबल के किनारे बसी बस्तियां पानी पानी हो गईं। 12 बस्तियां डूब गईं। गुजराती बस्ती से तो देर रात ही 2 दर्जन लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर की निचली और कच्ची बस्तियों को खाली कराने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ गंभीरी बांध में क्षमता से ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से 7 छोटे और 2 बड़े गेट खोलने पड़े। ये पानी तेजी से शहर में फैल रहा है और आसपास में है। अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वाहन हमारे घूम रहे हैं, अनाउंसमेंट चल रहे हैं कि अगर कोई डूब क्षेत्र में कोई बस्तियां हैं, उस कुछ 5-7 बस्तियां हमने आइडेंटिफाई कर रखी है ऑलरेडी, तो उनको हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। राजस्थान के बूंदी में भी भारी बारिश से नदी नाले गरज रहे हैं। मेज नदी ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया है। मेज नदी के उफान में कोटा दौसा मेगा हाईवे भी दरिया बन गया। 2 दिनों से ये हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने से दर्जनों गांव का संपर्क कोटा और बूंदी से कट गया। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। कई घर भी जलमग्न हो गए। केशवराय पाटन कस्बे के लोगों ने घर के सामान निकालकर नावों में शिफ्ट कर लिया है और इसी को अपना बसेरा बना लिया है। कोटा से संजय वर्मा और बूंदी से भवानी सिंह हाडा के साथ अनुपम परदेशी, प्रतापगढ़ आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।